तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को हल करने वाले हैं। देखिए, हर का परिमेयकरण, पक्का एक सवाल इसका एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका नाम ही देखिए, हर का परिमेयकरण, यानी कि हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको आपको बदल कर क्या करना है, परिमेय संख्या बनाना है ना। तो ये जो हर में अपरिमेय संख्या है इसको बदल कर अपन परिमेय संख्या बनाते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं अपन, ये यहाँ पर आपको दे रखा है 1/√2। जब इसके हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, तो जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे अपन, तो 1/√2 इसी संख्या से जो नीचे हर में, इसी से एक बार ऊपर गुणा और एक बार नीचे, है ना। तो देखिए, वापस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, कोई प्रभाव नहीं, है ना। यहां पर अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को हर जो है वो क्या करना है, अपरिमेय से परिमेय बनाना है। तो देखिए, यहां पर √2 गुणा हो जाएगा एक। अब यहां पर आप, अभी अपन ने सीखा √2 √2 से जब अपन गुणा करेंगे तो ये एक बार बाहर निकल कर 2 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, देखिए अपन पिछले वीडियो में देखा था अपन ने √2 × √2, तो ये 2 × 2 पेयर बन के एक बार बाहर आ जाएगा। या फिर 2 × 2 = 4, 4 को जब आप बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया ना, 1/√2, ये इसका आंसर। तो देखिए, यहां पर क्या संख्या थी, अपरिमेय, और यहां पर संख्या क्या बन गई, परिमेय, इसीलिए इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण 18, 1/√2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए, यहां पर दो संख्याएं हैं, पहले अपने पास एक ही थी, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि इसका संयुग्मी जो रहेगा उसका गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। संयुग्मी यानी कि देखिए, यहां पर प्लस है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 2 − √3, है ना, माइनस लग जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं अपन, 1/√2 + √3 इसके हर का परिमेयकरण करने पर, तो ध्यान रखिएगा जब भी इसके हर का परिमेयकरण होगा तो 1/√2 + √3। अब इसका जो हर है इसका संयुग्मी, संयुग्मी यानी कि यहाँ प्लस है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लगेगा माइनस, और यदि इससे आपने ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब नीचे ऐसे ही कंडीशन हो, दो संख्याएं हो और बीच में प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि उसका संयुग्मी निकालना है ना। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं अपन, क्योंकि अपने को हर में ये जो संख्या है इसको परिमेय बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 × 2 − √3, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, 2 + √3 और 2 − √3। अब देखिए यहाँ पर वो सर्वसमिका लग रही है नीचे, तो सर्वसमिका लगा देंगे अपन ये वाली, a + b, a − b, है ना। देखिए वही कंडीशन, 2 इधर भी, 2 √3 इधर भी, √3, तो क्या होती है सर्वसमिका, a² − b², है ना, ये वाली सर्वसमिका इसमें लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए इसको यहाँ पर हल कर लेता हूँ बाकी का बात, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, है ना। लेकिन नीचे देखिएगा a² − b² इसके स्थान पर, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, तो 2 की पावर 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b² यानी कि √3 का² क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 − √3 और यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, है ना, 2 × 2 = 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 की पावर √3 की पावर 2 है, तो ये वापस पेयर बनेगा, देखिए 3 × 3 पेयर बन के 3 बाहर आ जाएगा, तो केवल क्या आएगा यहाँ पर, 3। या फिर आप यूँ भी समझ सकते हो, देखिए √3 यानी कि इसकी पावर क्या है, 1/2, और यहाँ पर पावर क्या है, 2, तो ये कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है ना। अब देखिए 2 − √3, 4 में से 3 कम कीजिए 1, है ना। तो अतः देखिए क्या था अपने पास, 1/2 + √3 किसके बराबर आ गया है, 2 − √3। अब देखिए इसके हर में क्या संख्या है, एक है जो कि क्या है, परिमेय, और ये संख्या क्या थी इधर, अपरिमेय, ठीक है। तो इसी को हर का परिमेयकरण अपन कहते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं, 19।
अब देखिए उदाहरण 19, 5/√3 − √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए अब और मजा आने वाला है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 5/√3 − √5। अब इसके हर का परिमेयकरण करने पर है ना, तो देखिए क्या बन जाएगा ये 5/√3 − √5, इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √3 + √5 और √3 + √5। क्लियर है, ध्यान रखिएगा चिन्ह बदल जाएगा, पहले प्लस था तो माइनस हो गया था, अब माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। तो देखिए 5 × √3 + √5 और यहाँ पर देखिए √3 − √5, √3 + √5। तो देखिए नीचे तो वही सर्वसमिका लग रही है जो पहले लगी, देखिए a − b और इधर क्या है a + b, तो क्या फार्मूला बनेगा, a² − b². क्लियर है, तो देखिए इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ बाकी को। तो ऊपर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें, नहीं तो ऐसा भी रख सकते हैं इसको, √3 + √5 है ना। अब देखिए यहाँ पर a² − b², तो 1 के स्थान पर आपके पास क्या है, √3, तो √3 − b² बी की वैल्यू क्या है, √5 और इसकी पावर 2। तो देखिए 5 × √3 + √5 अपॉन, ये 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे है ना, √3 को, तो क्या हो जाएगा 3 अपन देखते हुए आ रहे हैं, माइनस जब √5 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 है ना। तो यहाँ पर हो गया देखिए 5 × √3 + √5 × 5 में से 3 कम करेंगे तो −2 बचेगा। क्लियर है, तो अपन इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 5/2, माइनस है तो आप यहाँ लगा सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो है ना, या फिर आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन में −2 आ जाएगा, दोनों सही है ना ये। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें अक्सर हम गलती कर जाते हैं, देखिए 1/7 + √2, तो यहाँ पर 1/7 + √2 हर का परिमेयकरण, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 1/7 + √2, इसका संयुग्म भी क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ना, तो 7 − √2 अपॉन 7 − √2 है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं है ना, 7 − √2, अब अपॉन में एक बार लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए वही सर्वसमिका सेम है ना, तो यहाँ पर देखिए a + b a − b बराबर क्या हो जाएगा, a² − b² अब देखिए गलती कहाँ पर होती है, इस पूरे को आपको b लेना है। क्लियर है, तो देखिए मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, 3√2 है ना, अपॉन a² − b² तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 7, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस b की वैल्यू ये पूरा लेना है ना 3√2 और इसकी पावर 2 है, तो ध्यान रखिए दोनों की पावर 2 करना है आपको। फिर आगे देखिए 7 − √2 अपॉन 7 की पावर 2, तो अब यहाँ 7 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि पहले क्या रहता था, रूट में रहती थी संख्या, तब अपन बाहर निकालते तो 7 निकलता, अब केवल 7 है, तो 7 × 7 = 49, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर और थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए आपके पास 3 भी है आपके पास, √2 भी, और दोनों की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 3 × √2 × 3 × √2 ये होने वाला है, तो 3 × 3 = 9 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बन के बाहर आ जाएगा 9 × 2 = 18, तो ये गलतियाँ अक्सर हो जाती है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप 3 की पावर 2 करेंगे क्या हो जाएगा 9, और √2 की पावर 2 करोगे क्या बनेगा ये 2 बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर आप। तो ये 7 − √2 49 − 9 × 18,
अब तो आसानी से आप कर लोगे, देखिए 7 - 3√2, अब यहाँ पर घटा दीजिए 3, ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और 9th क्लास के विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, क्योंकि हर के परिमेयकरण का एक सवाल पक्का एग्जाम में आता ही आता है। धन्यवाद।